नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेमरतन देगावत। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ इटरनल हॉस्पिटल में। लास्ट 4-5 साल से मैं इटरनल हॉस्पिटल से जुड़ा हूँ। वर्ल्ड हार्ट डे पे मैं सभी को उनके स्वस्थ रहने की और उनके हृदय के स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमें 4 और 5 बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो सब करनी ज़रूरी है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आधा घंटे का कम से कम ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है कि हम आधा घंटे में 3 से 4 किलोमीटर चलें, और सप्ताह में कम से कम 5 दिन चलें। 2 दिन आप नहीं चल पाएँ तो कोई बात नहीं, तो 5 दिन आधा घंटे का ब्रिस्क वॉक, जिसमें 3 से 4 किलोमीटर चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, कोविड के टाइम में आपको हो सकता है बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप घर पर ही चाहे तो ट्रेडमिल कर सकते हैं, छत पर चल सकते हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ आधा घंटे का एक्टिविटी हमें करनी है। दूसरी जो चीज़ है वो ज़रूरी है, वो है कि हम अपने खाने पीने का ध्यान रखें। जैसे कि अब कोविड में बाहर का खाना बहुत कम हो गया है, तो इसी को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे कि घर का ताज़ा बना फ्रूट सलाद, ये सब ताज़ा खाना, सब्जियां ज़्यादा लें, फ्रूट ज़्यादा लें, आलू चावल रोटी मिठाई या जो जिससे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो वो कम कर दें, और ताज़ा चीज़ खाएँ, खूब खाएँ, फ्रूट लें और लिक्विड खूब लें, छाछ ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। तीसरा जो चीज़ है, अगर हमें शुगर और डायबिटीज़ है, दोनों शुगर डायबिटीज़ है या बीपी है, तो हम बीपी की मेडिसिन को टाइम पे लेते रहें। अगर आपका बीपी अनकंट्रोल चल रहा है और आपका शुगर अनकंट्रोल है, तो आप अपने डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट से, अपने हार्ट स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, और उनकी सलाह के अनुसार टेबलेट और जो दवाइयाँ हैं उन्होंने दिया है, इंजेक्शन दिया है, वो टाइम पर लेते रहें। पाँचवीं ज़रूरी चीज़ है कि तंबाकू का सेवन, किसी भी प्रकार के तंबाकू के सेवन का हमें छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आजकल आप एक निकोटीन पैच आते हैं, जिसको तंबाकू की आदत है, स्मोकिंग की आदत है, निकोटीन पैच से वो अपना स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। और लास्ट जो है वो है कि आप अपना स्ट्रेस से दूर रहें। जितना भी आप स्ट्रेस लेंगे, आपके हार्ट की एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, हार्ट पर लोड ज़्यादा रहेगा। तो जैसे कि मैंने 5 मुख्य बातें बता दी, एक्सरसाइज करना है, अच्छा खाना खाना है, शुगर और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है, और स्ट्रेस से दूर रहना है। इन सब को आप अगर अपने जीवन में, डेली जीवन में अगर आप इसको अडेप्ट कर लेंगे, तो आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा, आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा तो आपकी डेली लाइफ भी स्वस्थ रहेगी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ वर्ल्ड हार्ट डे पे मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद।